गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कंटेनर की शेप में आया है पूरा और वो आती है 3:30 बजे, तो टाइम काटना बहुत मुश्किल है। मैं तो पीठ से थोड़ी ना खाना है, मुंह से खाना है। अगर मैं सनसेट को अगर कवर नहीं करती ना, कौन सी बार देख रही हो? 22 मशरूम, 2 प्याजा और 2 रोटियां। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। सवेरा हो चुका है, 2 दिन से बहुत अच्छी धूप है, बट हवा बहुत ज्यादा चल रही है। मैं समय का समाचार नहीं दे रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ अपने शहर का हाल। आई थिंक आप लोग जहां से भी बिलोंग करते हैं, मेरे शहर से हैं, मेरे शहर के बाहर से हैं, सब जगह यही हाल होगा कि हवा ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। धूप है बट ठंड भी लग रही है उतनी। बात तो सही है। बस मैं काफी दिनों से, जैसे मैंने बताया, मैं थी नहीं, मैं बिजी थी, लेकिन अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। कब तक फ्री रहूंगी नहीं पता, लेकिन अभी कुछ टाइम है मेरे पास, तो बस मैं ब्लॉगिंग मैं अपनी स्टार्ट कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपना प्यार दीजिए, मेरे ब्लॉग्स को देखिए, आपको कैसा लगता है, कुछ अच्छा एड ऑन कर सकती हूँ तो वो भी बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए। बस अभी मैं नहा चुकी हूँ, देखिए मैं इसीलिए मैं वो चोटी करके रखती हूँ, बहुत मेसी लगता है ये, देख रहे हर जगह से बाल निकल रहा है एकदम। छोड़िए, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद नाश्ता बनाऊंगी, वही डेली रूटीन, और आज जो भी एक्स्ट्रा होगा या सिमिलर होगा वो सब आपसे शेयर करूंगी। स्कूल गई हुई है, उनका स्कूल स्टार्ट हो चुका है एज यूजुअल, स्कूल में है, टिफिन लेके जा चुकी है। आप जब तक देखिए कि कुहू ने अपने रूटीन में मतलब अपने टिफिन में क्या लेके गई, उसके जाने के बाद मैंने क्या क्या किया, आप जब तक वो सब देखिए, मैं झटपट पूजा करके आती हूँ। ओके, तो यहाँ बन रहा है कुहू का टिफिन। पहले मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, अभी इसमें जा रहा है जीरा, राई, क्योंकि मैं बना रही हूँ नमकीन सेवई। वाओ, जैसे ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा इसमें जाएगा प्याज। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी इसमें मैं डाल रही हूँ मशरूम और टमाटर। मैं इसमें अभी डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब जितना मेरे पास सेवई है उस हिसाब से नमक, हल्की सी लाल मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस, और अब फाइनली इसमें जाएगा बॉईल किया हुआ सेवई। ये मैंने रात में बॉईल करके रख लिया था, तो कंटेनर की शेप में आया है पूरा। थोड़ा सा इसमें ना जैसे ही मसाले और तेल ऑब्जर्व होगा तो ये अपने आप एकदम अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रही है। डाल रही हूँ हरा धनिया। तो फाइनली ये वेजिटेबल सेवई, जिसे मैं नमकीन सेवई कहती हूँ, बन के तैयार है। ओह माय गॉड, तो चलिए कुहू का टिफिन लगाते हैं। तो सबसे पहले जाएगा टिफिन में जो मैंने गर्मा गर्म नमकीन सेवई बनाई है कुहू के लिए। वाओ! फिर मैं रख रही हूँ ये यूनिबिक का कुकी, ओट्स कुकी है बेसिकली ये, तो ये कुकी जा रहा है। फिर जा रहा है ये थोड़ा सा फ्राई, एक्चुअली आज कोई फल नहीं है, और स्वीट में जा रहा है ये पेपर बोट का चिक्की। एक मैं पेपर यहाँ पे लगाऊंगी जस्ट बिकॉज जब भी मैं इसको बंद करूं तो ढक्कन पे सिवैया ना लगे। अच्छा, हमको सिखा रही है। ये देखिए, ये टिफिन इनका पैक हो चुका है। यहाँ पर पूजा हो चुकी है, आप भी दर्शन कर लीजिए। आपका दिन अच्छा हो, आपका जीवन अच्छा हो, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें।
यार कितनी ऑसम है। अब मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता बनाने के लिए, उसके बाद पुह का खाना बनाऊंगी और उसका वेट करूंगी क्योंकि अभी बजे हैं 11:30 सिर्फ और वो आती है 3:30 बजे। तो टाइम काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास कुछ वीडियोज हैं जिसे मैं एडिट करूंगी, अपना काम करूंगी, थोड़ा टीवी देखूंगी, चाय एंजॉय करूंगी और जैसे ही कुहू आती है आपसे दोबारा मिलूंगी। मैडम आ गई है, चलिए चलते हैं मैम को लेने। खुल जाओ सिमचैन। वेलकम बैक टू आवर हाउस। तो हम जा रहे हैं कुहू को डांस के लिए लेके, मतलब हम जा रहे हैं डांस क्लास के लिए जहाँ मैं नहीं हूँ, मैं शायद गलत बोल रही हूँ, मैं कुहू को ड्रॉप करूंगी और अपने आराध्य की तरफ चली जाऊंगी, मंदिर दर्शन करके एक राउंड लगा के फिर वापस लौटती हूँ और फिर से कंटिन्यू करती हूँ। मैं दर्शन करके और टहल के वापस आ चुकी हूँ और मुझे प्रसाद में ये 2 केले भी मिले। 3 था, मतलब एक मंदिर से 1 मिला और दूसरे मंदिर से 2 मिला, तो एक तो मैं खा चुकी थी, ये 2 मैं ले जा रही हूँ कुहू के लिए। बाबा का प्रसाद है आज, बहुत अच्छा लगा। पंडित जी हर बार कुछ ना कुछ प्रसाद देते हैं तो आज ये फल मिला है। चलते हैं कुहू को लेने। कैसा रहा क्लास? बैक पेन हो रहा है क्यों? वो पंडित जी ने प्रसाद भी दिया, खा जाओ। तुम नहीं खाओगी क्यों? अरे तो पीठ से थोड़ी ना खाना है, मुंह से खाना है। पीठ से गजब बैल हो कुहू, गजब बेइज्जती है। अगर मैं सनसेट को अगर कवर नहीं करती ना, हट जा कुहू, बहुत बुरा होता। इतना सुंदर लग रहा है, इतना मतलब एकदम संतरा जैसे। कैमरा में तो उतना आ भी नहीं रहा होगा जितना ये रियल में सुंदर लग रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट अ नेचुरल ब्यूटी, सीरियसली यार। ए भैया, दोनों जनी लड़ना नहीं, एक के पीछे एक जा रहे हो, देखो जरा। ये एक एरोप्लेन जा रहा है, उसके पीछे दूसरा एरोप्लेन जा रहा है। कौन सी बार देख रही हो? What? ये पद्मावत है, ये 22वीं बार देख रही है इसको। इतना ऑब्सेशन हो गया इस मूवी का, एकदम पागल हो चुकी है। ये 22वीं बार ये पिक्चर देख रही है। क्या अच्छा लगता है? गले में बेस नहीं है, आवाज तेज नहीं है क्या? बढ़िया था गुरु, थोड़ा तेज बोलो। हम ये कह रहे हैं कि अच्छी रानी थी वो। हाँ, कौन रानी? थोड़ा तेज जल्दी जल्दी बोला। पद्मावती अच्छी रानी थी। अच्छा, अच्छी रानी थी। मणिकर्णिका, बाजीराव मस्तानी, बहुत सारी मूवी ऐसी हिस्टोरिकल जो रियल लाइफ पे बेस्ड होती है, तुम्हें अच्छी लगती है? जैसे कि हाउसफुल है। हाउसफुल नहीं नहीं नहीं, कॉमेडी कॉमेडी, जैसे कॉमेडी मूवी, बहुत सारी मूवीज जो मैं देखती हूं रिपीट रिपीट में, पसंद है। जी, मैं किचन में आ चुकी हूँ। आज फिर से वो दिन आ गया है जिस दिन मुझे सारे काम एक साथ करने होते हैं। सारे काम इन द सेंस, मटर छील के रखनी है, भाजी काट के रखनी है, मसाला पीस के रखना है, मसालदानी भर के रखनी है। रुको जरा, सबर करो। क्या क्या बना रही हूँ, साथ में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को ये सारे काम के बाद डिनर भी बना करके रखना है, कुहू को नाश्ता भी देना। उसकी क्लास का टाइम 7 बजे से है, अभी 7:45 है, 15 मिनट है मेरे पास। मैंने सुबह सेवई बनाई थी उसके टिफिन में, तो मैं उसको वही गर्म करके दूंगी, वेस्ट थोड़ी ना करूंगी, जान के ज्यादा बनाई थी क्योंकि आज ज्यादा काम है। बहुत तेज हो रहा है। तो जी, आज मैं बना रही हूँ मशरूम 2 प्याजा। वाओ! देसी स्टाइल में जैसे घरों में बनता है। तो आज एक्चुअली कुकर में आलू बॉईल किया था तो मैंने इसी में छौंक दिया। वैसे तो जनरली कढ़ाई में बनाती हूँ। यहाँ मैंने सरसों का तेल डाला है, ये मैंने थोड़ा सा जीरा डाला इसमें। जैसे ही जीरा इसमें थोड़ा ततड़ 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 कर रहा है, मैं प्याज डाल देती हूँ। यहाँ पे जब तक प्याज बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, एकदम जैसे थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा ना, मैं इसमें प्याज का मसाला डालूंगी। प्याज, अदरक, लहसुन
और हरी मिर्च का जो पेस्ट होता है वो एक चम्मच डालूंगी। मैंने ये सेंटर में जगह बना ली है प्याज को साइड करके, इसमें ये पेस्ट डाल दी हूँ। जैसे ही प्याज हल्का सा तेल छोड़ने लगेगा मैं मशरूम डाल दूंगी। थोड़े से गिर भी गए। मसाला डालने से पहले मैंने मशरूम इसलिए डाला क्योंकि मशरूम ना श्रिंक होता है, एकदम नरम पड़ेगा ना, तो जो ये प्याज का मसाला है और ये जो प्याज मैंने काट के डाली है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रफली चॉप टमाटो यानी टमाटर। तो ध्यान से देखिए, मैंने कोई भी पानी नहीं डाला था इसमें। इसमें देखिए ये जो जितना भी आया है ना प्याज टमाटर और मशरूम का पानी आया। अब मैं इतने में ही इसको पकाऊंगी मसाले डाल के, एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं डालूंगी। मेरा ना ये बहुत ही अच्छा कैमरे से मैं कुकिंग करते समय शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आई थिंक आप लोगों को ठीक समझ में आता होगा, वरना तो YouTube पे रेसिपी है यार, बना सकते हो। मेरा क्या देख के बनाना, मैं कौन सी मास्टर शेफ लगी हूँ यहाँ पे। हाँ, मैंने एक चम्मच डाला है, ये आधा चम्मच और डालती हूँ नमक। उसके बाद धनिया पाउडर, धनिया पाउडर अच्छे से डालना चाहिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये गरम मसाला, ये लाल मिर्ची, एकदम हल्की सी हल्दी। बेसिक मसाले तो यही होते हैं और यही डाल के बनता है खाना, चाहे कुछ भी बनाओ। मशरूम कुहू को बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पे सीटी लगा दी है, जैसे एक सीटी होगी ये सीटी खोल के मैं इसको भूज लूंगी और ये परफेक्टली तैयार हो जाएगा। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मशरूम दो प्याजा बन के तैयार है, एकदम होम मेड स्टाइल में। इसका पानी मैंने एकदम सूखने कर दिया है, मतलब एकदम भूजते हुए इसको सूखा दिया है, तो ये बन के तैयार है। जब कुहू की प्लेट लगाऊंगी ना तब उसे बताऊंगी कि मशरूम बना है आज, बहुत खुश हो जाएगी। यहाँ पे लग चुकी है कुहू के डिनर की प्लेट, जिसमें है मशरूम दो प्याजा और ये दो रोटियां। मशरूम दो प्याजा और दो रोटियां, मस्त जोक मारा रे। क्योंकि कुहू सो चुकी थी इस वजह से उन्हें बहुत लिमिटेड खाना दे रही हूँ आज मैं। ओह माय गॉड, अच्छा लग रही हो। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आप देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अच्छे अच्छे सजेशंस दीजिए। बस इसी तरह से फिर कल एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हम लोग प्रस्तुत होंगे। मिलेंगे आपसे जी। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।